मध्य प्रदेश को उद्योगों का हब बनाकर निजी क्षेत्र से रोजगार के अवसर प्राप्त। और ये मैंने बार बार कहा है कि निवेश आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास हो। ये नौटंकी वाले कलाकारी वाले इन्वेस्टमेंट समय से नहीं आ रहे। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार उल रहमानी। इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में कमलनाथ ने जो बड़े ऐलान किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हैरान कर देने वाले हैं। दरअसल इसको लेकर के ये माना जा रहा है कि जो बीजेपी एक उम्मीद लगा करके बैठी है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कहीं ना कहीं जो है कई मुद्दों को लेकर के जिन मामलों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की गई, दरअसल उसी मुद्दे में वो फंसते हुए नजर आए। लेकिन क्या अब ऐसा होता नजर आएगा? क्या ये पूरी तरीके से स्थिति जो है अस्पष्ट होती नजर आएगी? क्या कमलनाथ इसमें मात खा जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आता। लेकिन आपको वो खास बयान सुनवाने जा रहे हैं जिससे ये चीज़ें अस्पष्ट होती नजर आएगी। सुनिए इस बयान। जो गवाह है कि हमने 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया, ये कोई सहमत नहीं था। जब मैंने कहा 100 यूनिट 100 रुपए कैसे होगा, ये कागज लाओ वो कागज लाओ, मैंने कहा बिजली का बिल लाओ 100 यूनिट का, किसी का भी बिल हो हम माफ करेंगे, क्योंकि हमें सरलीकरण करना। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम शासकीय व्यवस्था में सरलीकरण हो सके। ये आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे 20 साल पहले 10 साल पहले शासकीय सिस्टम चलता था, जब कोई इंटरनेट नहीं था, जब कोई लैपटॉप नहीं था, और आज में बहुत अंतर है। ये हमें समझना है, अंतर तो हो गया पर हमारे सिस्टम में अंतर कैसे होगा। ये सिस्टम में अंतर लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और चुनौती है। तो इसको वचन पत्र के लिए हम क्रियान्वयन करने के लिए हमने मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था करने का निर्णय लिया है और उसे भी हमने वचन पत्र में जोड़ा है, क्योंकि वचन पत्र का क्रियान्वयन करने के लिए हम कैसे करेंगे वो भी हमने जोड़ लिया है। आज हम 2023 के लिए कांग्रेस के नारे की भी औपचारिक घोषणा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का हर परिवार खुशहाल हो, इसलिए इस बार हमारा नारा है कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी, ये हमारा नारा है। अब तक कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन पहले दिए थे जिससे आप सभी अवगत हैं, मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता। उन वचनों को पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं, जैसे कि हमारे कर माफी की है, वो तो हमने पहले करी थी तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा, पर यही कह रहा हूँ कि जो हमारे पहले वचन थे उसके लिए हम संकल्पित हैं और सभी कुछ नए जो वचन है उनसे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। किसानों के लिए हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है हमारे कृषि क्षेत्र। 70% हमारी आबादी जुड़ी हुई है कृषि क्षेत्र। हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है हमारा कृषि क्षेत्र, और यही बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश किसानों का प्रदेश है, हम चाहते हैं कि किसानों को फसलों के उतने दाम मिले जितने में उनका घर भी चले और दो पैसे भी बचे, हमारे किराने की दुकान गाँव गाँव में भी चले। आज किसानों की जेब में पैसा होता है तो किराने की दुकान भी चलती है। हमने किसानों के हक में देश का सबसे बड़ी क्रांतिकारी निर्णय लिया है। कांग्रेस सरकार धान 2,500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी, हम गेहूं 2,600 रुपए क्विंटल पर खरीदेंगे,
और मेरा मिशन है कि किसान को 3,000 रुपये प्रति क्विंटल कीमत हम दें, ये मेरा मिशन है और ये मेरा वचन है। नंदनी गौ धन योजना शुरू करेंगे और 2 रुपये किलो के दर से गोबर खरीदेंगे। युवाओं के लिए सरकार ने रिक्त 2 लाख पदों के लिए भर्ती करी जाएगी। ग्राम स्तर में 1 लाख नए पद बनाकर भर्ती करेंगे। मध्य प्रदेश को उद्योगों का हब बनाकर निजी क्षेत्र से रोजगार के अवसर प्राप्त। और ये मैंने बार बार कहा है कि निवेश आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास है। ये नौटंकी वाले, कलाकारी वाले इन्वेस्टमेंट समिट से नहीं आ रहे। मैं केंद्र में वाणिज्य मंत्री रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मैं पूछता था आप क्यों नहीं आते मध्य प्रदेश, हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, पर ये उद्योग लगाते हैं पंजाब और हरियाणा में। बहुतों को बुला के मैंने पूछा, उन्होंने कहा आपका प्रदेश का चेहरा क्या, सबसे भ्रष्ट प्रदेश। और एक ने तो मुझे कहा 3 साल से हमने जमीन के लिए अप्लाई किया, हमें जमीन नहीं मिलती। तो जब तक एक विश्वास का वातावरण ना हो तब तक कोई निवेश नहीं आता। इन्वेस्टमेंट हम डिमांड नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट हमें अट्रैक्ट करना होता है। इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी डिमांडेड, इन्वेस्टमेंट हैज टू बी अट्रैक्टेड। हमें ये बात हमेशा याद रखनी है। हम युवा स्वाभिमान योजना शुरू करेंगे, 5 रोजगार बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये से 3,000 रुपये तक की सहायता देंगे। स्वास्थ्य का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है, ये हर परिवार आज स्वास्थ्य व्यवस्था से पीड़ित है, लोगों को मकान बेच देना पड़ता है जब स्वास्थ्य की चुनौती आती है। तो स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बनाएंगे और 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराएंगे, इससे हर परिवार जुड़ा। और ये एक बहुत बड़ा कदम होगा प्रदेश के लिए। बेटी विवाह योजना में हम 1,01,000 रुपए की सहायता देंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1,200 रुपए, पहले हमने कहा था 1,000 रुपए, मैंने 300 रुपए से 3 महीने में 600 रुपए बढ़ा। जब मैं 1,000 रुपए करने वाला था हमारी सरकार ने, अब मैं कह रहा हूं कि हम 1,200 रुपए करेंगे। मेरी बेटी रानी योजना में बेटियों को जन्म से उनके विवाह संस्कार तक रुपए 2,51,000 रुपए का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के लिए हम प्रयास करेंगे कि IPL टीम हमारी बने। बड़े दुख की बात है, पहले मैं कहता था तो मेट्रो की मदद करता हूँ, मध्य प्रदेश में कोई मेट्रो का प्रस्ताव भी नहीं लाता। और आज मैं खुले रूप से बात करना चाहता हूँ, मैंने बाबूलाल गौर जी जो मंत्री थे उनको उनसे निवेदन किया, उनसे चर्चा की कि आप मेट्रो का प्रपोजल भेजिए। उन्होंने कहा इसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में 16 करोड़ रुपए लगते हैं। मैंने कहा आप 16 करोड़ रुपए मेरे से ले जाइए, चिट्ठी दे दीजिए, तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बने, क्योंकि हमारे प्रदेश में मेट्रो नहीं। मैं जगह जगह जा रहा हूँ, उद्घाटन कर रहा हूँ मेट्रो का, और हमारे यहाँ तो कोई योजना ही नहीं। तो मेट्रो की जब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, हमारी सरकार आ गई और हमने इसकी शुरुआत करी। आप सब बता, मैंने दौर दिया, मैंने इसकी शुरुआत करी। कोई श्रेय ले ले, मुझे श्रेय की बात नहीं है, मुझे मध्य प्रदेश की शान की चिंता है, हमारे शान है। तो हमारी IPL टीम इसका हम पूरा प्रयास करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि खिलाड़ियों को
के लिए पदक लाओ, पद पाओ, पदक लाओ, करोड़पति बन जाओ और पदक लाओ, कार पाओ योजना हम शुरू करेंगे, ताकि उनको इसमें हम पुश कर सकें। आईपीएल टीम भी हो, मेट्रो आ रही है, आईपीएल टीम भी ना आए, आईपीएल टीम का भी हम पूरा प्रयास करेंगे। हम शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति एवं 4 समयमान वेतन देंगे। संविदा व आउटसोर्स कर्मचारी के लिए हम न्याय करेंगे। आउटसोर्स वालों को कोई प्रॉब्लम फंड नहीं, दिखाया जाता है कि उनको उसके पैसे मिलते हैं आधा, इसमें कोई आरक्षण नहीं। तो आउटसोर्स शब्द बहुत अच्छा है, पर आउटसोर्स में क्या सुधार लाना, हम आउटसोर्स की जो संस्थाएं हैं उनसे बैठ के बात करेंगे, जो आउटसोर्स के एम्प्लॉयज हैं उनसे बैठ के हम बात करेंगे। आमदनी को 9 अधिकार और गारंटी सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस सरकार संकल्पित है। वे 9 अधिकार तो आपने सुना दर्शकों, क्या अब ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में ये सारे मामले जल्द से जल्द जो है वो हल होते नजर आएंगे, या फिर मुद्दा इसी तरीके से जो है वो गहराता चला जाएगा। खास रिपोर्ट में इतना ही, जुड़े रही बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के।